हाँ भाई, एक बच्चे ने डाउट पूछा है सर, A3 A4 भी बता दो, पार्ट 2 का A3 बताओ, स्टेटमेंट क्या है A3 की? सर शो शोन इन अ फिगर आर पोजिशंस टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रंस ठीक है गोइंग ठीक है फ्रॉम ठीक है, समझ द गया मैं, स्कूल। समझ गया क्वेश्चन। एक ऐसे है और एक ऐसे ग्राफ दे रखा, राइट, यही बात है ना, ये C1 है यस सर। हाँ सर। और रिलेटिव पोजीशन का ग्राफ बनाना है आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बात है। रिलेटिव वेलोसिटी ग्राफ नहीं बताना, बताना है कि वो क्या होगी, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, फिर फर्स्ट डिक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, इस तरह के ऑप्शन दे रखे होंगे, है ना, यस सर। रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप एक चीज देखिए कि ये टाइम आया लेट अस सपोज T, और ये टाइम है T-dash, और स्टॉपवॉच में जब आपने टाइम चालू किया तो पहले टाइम कौन सा आएगा? T आएगा, है ना, स्टॉपवॉच में 0 से चालू हुआ और जैसे ही टाइम T आया C2 ने चलना चालू कर दिया। अरे हाँ, है ना, किस स्पीड से, किस यस सर। स्पीड से, जो इसका ग्राफ, जो इसका स्लोप है उस स्पीड से, तो इसका स्लोप हो गया लेट अस सपोज M2। अरे हाँ, है ना, तो V2 की वैल्यू होगी M2 कब, व्हेन टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन T हुई, सही बात है, बोल बात, टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन T हुई, जैसे टाइम T से बड़ा हुआ यस V2 की वैल्यू आ गई। फिर जैसे टाइम T डैश हुआ तो V1 भी चलने लग गया और V1 की वैल्यू M1 आ गई, जैसे टाइम आपका ग्रेटर देन T डैश हुआ, तो T-dash टाइम के बाद इसकी स्पीड V1 है, इसकी स्पीड V2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है? V of 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो V2 माइनस V1 विच इज इक्वल टू दूसरे का स्लोप माइनस पहले का स्लोप। अरे हाँ, है ना, तो यस सर। ये एक नॉन जीरो स्लोप आ गया बस। इसने यही बोला कि जब दोनों चलना चालू कर देंगे उसके बाद रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि इसका स्लोप्स का डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा और वो एक नॉन जीरो होगा, सही बात है, गलत बात? ओके सर। A4 में डाउट है? यस। A4 की स्टेटमेंट क्या है? शोन इन द फिगर आर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द टू पार्टिकल्स P1 एंड P2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिलेटिव मोशन इन रिलेटिव मोशन इज ट्रू। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। मेरे को देखना पड़ेगा यार ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक बार भेज दो मेरे को व्हाट्सएप पर। यस एक्चुअली। सर डाउट ग्रुप में भेज दिया है। अरे ग्रुप पे क्यों भेज रहे हो भाई, फिर सब मिलके उसको सॉल्व करते हैं, बाकी बच्चे भी सॉल्व करते हैं या फिर बाकी टीचर सॉल्व करते हैं, है ना, पर्सनली भेज दिया करो, जब मैं बता ही यस रहा सर। हूँ तो पर्सनली भेजो, ठीक है, क्योंकि फिर सबको डिस्टरबेंस होता है ना ग्रुप पे आता है तो। A4 पूछ रहे थे क्या? अबाउट यस सर। द रिलेटिव मोशन इज ट्रू, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगी ना बेटा, पहले का भी तो एक्सेलरेशन आ गया, बीच की तरफ दे रखा ना तेरे को, पहले का भी तो तेरा बीच आ गया,
यस इसका एक्सेलेरेशन आ गया A1, इसका एक्सेलेरेशन आ गया A2, क्योंकि इसका स्लोप हो गया, इसका भी स्लोप हो गया। पहले का जो स्लोप है वो पहले का एक्सेलेरेशन हो गया, दूसरे का स्लोप जो है वो दूसरे का एक्सेलेरेशन हो गया। सही बात है तुम्हें? और यस स्लोप सर कॉन्स्टेंट है तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या आ गया? A1 - A2, क्योंकि पहले का एक्सेलेरेशन A1 है, दूसरे का A2 है, जो भी इनके स्लोप्स हैं वही एक्सेलेरेशन है। तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन कोई ना कोई एक वैल्यू आ गई है, लेट अस सपोज वो ए आ गई, इन दोनों का डिफरेंस। अगर रिलेटिव एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है फिर। सही बात है गलत बात? यस सर आया ना? और कोई डाउट है भाई किसी को? चलिए नो सर लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था ये बताइए। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था? आपने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन पढ़ाया था तो उसमें कहाँ तक पढ़ा दिया था? सिखा देते, क्वेश्चन ले देते आप उसके। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था? ये दिया था क्या कि ए सो और गिवन बी पार्टिकल्स सिचुएशन के, इज अ हाँ यस मतलब ए रेस्ट पे है, ए रेस्ट पे है, एंड बी 37 डिग्री थर्टी सेवन से डिग्री ऊपर एट ट्वेंटी जाएगा, मीटर पर सेकेंड इनमें वेलोसिटी ऑफ सर पर मिनिमम डिस्टेंस बताया था। आपको ये घर से करने के लिए दिया था या क्लास में करवा दिया था? करवा दिया था। करवा दिया था। ओके हाँ सर हो गया था ये। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 500 मीटर ले रहता हूँ उसको। वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड एज शोन इन फिगर। एंड आर एज शोन इन फिगर। फाइंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच।
हो गया क्या? अरे हो गया, देखो क्लोजेस्ट अप्रोच कब आता है ये बताओ मेरे को। कंसेप्ट से चलो ना, जो सिखाया गया उससे चलो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कब आता है? आंसर 300 है क्या? चलो डायरेक्शन 300 है क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कब आता है ये बताओ मेरे को। क्या यार, एक नोट लिखवाया था ना बहुत बढ़िया सा, मिनिमम सेपरेशन और मैक्सिमम सेपरेशन आता है सर, जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब जीरो हो जाए, मतलब ये पूछ रहा है कि कब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होगी, उस टाइम पे जो भी इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो निकालेंगे। तो जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो हो जाए, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकाली जाती है? कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ड्राइंग, है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस ये दो कंसेप्ट, मतलब सिंपल सी बात है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी और उसका वो कंपोनेंट जो लाइन ड्राइंग के अलोंग हो, तो पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकाली हमने? किसी एक के रिस्पेक्ट में, किसी एक को रोक दो, दूसरे को चला दो, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, ठीक है? तो ये 30 को उल्टा करके इसमें जोड़ दिया, तो ये 40 से जा रहा था, 30 से बिदल जाएगा, तो नेट कितना रह गया? 50 हो गया ना, बीच में कहीं इसको हटा रहा हूँ एक बार। इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी भाई? 50 हो गई बीच में। अरे हाँ या ना? यस सर। तो ए के रिस्पेक्ट में बी हमेशा इधर जाएगा, किससे? 50 से। तो इसका वो कंपोनेंट जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है शुरुआत में? इस 50 के दो कंपोनेंट है ना, एक 40 और एक 30, तो शुरुआत में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 40 है, लेकिन हमसे ये बोला कि उस टाइम पे बताना है जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो हो जाए। सही बात है गलत बात? यस सर। तो भाई ए के रिस्पेक्ट में बी हमेशा ऐसे ही जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब जीरो होगी ये देखना है आपको। इस लाइन के अलोंग जाएगा बी, तो बस बात यह कि बी की वेलोसिटी ऐसी रहेगी और लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे भी कंपोनेंट आएगा, हर जगह कंपोनेंट आएगा ना। सही बात है कुछ बात? यस सर। तो कब कंपोनेंट नहीं आएगा? जब लाइन ज्वाइनिंग इसके परपेंडिकुलर हो जाए। अरे हाँ यार। यस सर। तब इस 50 के अलोंग इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। ये 50 है, इसका कोई भी कंपोनेंट इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं आएगा। आएगा क्या? कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब अपने को ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है हमारे पास, ए बी, इसको बी डैश बोल देते हैं। तो अपने को निकालना क्या है? ए और बी की दूरी निकालनी है जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो हो जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो हो रही है, इनके बीच की दूरी ये वाली वैल्यू निकालनी है अपने को। तो हमें ये दूरी पता है, कितनी है ये दूरी? 500 मीटर। ये एंगल पता है क्या? ये एंगल पता है, देखो ये 40 था स्पीड, ये 30 थी, तो ये नेट एंगल अपने को पता है ना किधर जाने लगा। फूको एक बार। 37। तो ये एंगल अपने को 37 पता है, ये दूरी अपने को 500 पता है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, आर बोल देता हूं इसको। तो साइन 37 इज इक्वल टू आर बाय 500, है ना? आर की वैल्यू 300 आ गई। तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 300। समझ में आ रही है बात? यस सर। किसी को तकलीफ? सर V1 अगर सेम डायरेक्शन में नीचे शिफ्ट करते तो भी सेम होता क्या? सेम होता, सेम सेम एकदम। ये R की वैल्यू 300 ही आती, आंसर यही रहता।
डायग्राम थोड़ा इधर ऐसे डायग्राम थोड़ा जो है वी टू को बंद करके उधर चलाते ना, हाँ तो बस बी यहाँ पे होता और ए ऐसे चल के आता, तो ये डायग्राम बस इधर बन जाता और कुछ नहीं होता, ठीक है? हाँ सर। आगे चलें? यस सर। ये स्पीड कितनी है भाई? ये स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल ए है। इनिशियल सिचुएशन इज शोन इन फिगर। Find the time. After which time नहीं पूछ रहा। Find the distance of closest approach between A and B.
हाँ जी चले, सॉल्व करूँ क्या? सर एक सेकंड, ओके होने बाद दम लिख देना चैट में, ठीक है? हाँ सर। चलिए सॉल्व करता हूँ। मिनिमम सप्रेशन तब होगा जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो हो जाए, है ना? कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कहीं चेंज नहीं है, समझ रहे मेरी बात? यस सर। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालते हैं? बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट, है ना? यस सर। ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो पहले, और उसका कंपोनेंट अलोंग लाइन ज्वाइन, ये है। तो सबसे पहले कहानी बात ये है कि हमें करना है बी के रिस्पेक्ट में, पहले तो इनकी वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, या यस सर। बी का 15, ए का 20, 15 and 20 मीटर पर सेकंड। ए का 20 था और बी का 15 था ऊपर की ओर, तो इसके रिलेटिव में काम कर रहे हैं अभी अपन। तो बी की वेलोसिटी को हटा दो और ए में उल्टा करके जोड़ दो, बी को तो रेस्ट पे ले लिया और ए में उल्टा करके जोड़ दिया 15, सही बात है? अब ए इधर जा रहा है 20 से और इधर जा रहा है 15 से। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। इधर जा रहा है 20 से और इधर जा रहा है 15 से, बी के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में आई? रिलेटिव वेलोसिटी नेट कितनी आई? 25 मीटर पर सेकंड। कितने एंगल पे आई? अल्फा मान लेता हूँ 15/20, 3/4, है ना? अल्फा की वैल्यू 37 आ गई, समझ हो गया मेरी बात? हाँ सर। यहाँ से 25 आ गई एट एन एंगल 37 डिग्री। अरे हाँ या ना? यस सर। 25 मीटर पर
दिख रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। अब ए और बी को लाइन ज्वाइनिंग कहीं ए तो नहीं थी, 37 पे तो नहीं थी, एक बार देख लेते हैं ए और बी की जो लाइन ज्वाइनिंग है वो कितने एंगल पे है। पर ज्वाइन करने तो इसी लाइन के अलावा आ रहा है। नहीं भाई आपने ये गलत बना दिया, इस लाइन के अलावा नहीं आएगा ये, 25 थोड़ा सा कम पे आएगा क्योंकि ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना उसका एंगल कितना है देखो, इसको बीटा बोल देता हूँ। तो यहाँ पे टेन बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 400/500 आ रही है, बोल दो 0.8 थीटा। और तुम्हारा जो टेन अल्फा था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4.75। अल्फा बड़ा या बीटा? बीटा बड़ा ना, तो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है वो इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं आई, वो यहाँ पे कहीं आई है। सही बात है, अल्फा भी आई है ना वो तो? यस सर। तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे है अल्फा पे ना कि बीटा पे, ये वेलोसिटी 25 है। तो बी के रिस्पेक्ट में ए जो है ना वो इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं चल रहा, वो इस लाइन के अलोंग चल रहा है। सही बात है। यस सर। अब मिनिमम सेपरेशन कब होगा, अब बी के रिस्पेक्ट में ए यहाँ पे चला है तो इसका कोई भी कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं आना चाहिए। तो शुरुआत में तो आ रहा है, शुरुआत में तो आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो एंगल बना रहा है ना ये। थोड़ी देर बाद जब यहाँ होगा तो लाइन ज्वाइनिंग भी होगी तब भी कॉम्पोनेंट आएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ होगा तब भी कॉम्पोनेंट आएगा, यहाँ होगा तब भी कॉम्पोनेंट आएगा, आएगा नहीं आएगा दोस्तों का? यस। अब कॉम्पोनेंट नहीं आएगा जब लाइन ज्वाइनिंग इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। सही बात है। यस सर। जब लाइन ज्वाइनिंग आपकी इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी तब कंपोनेंट नहीं आएगा। सुनने वाली बात, एक बार इसको हटा देते हैं। ज्यादा कचरा हो जाता है ना फिर समझ में नहीं आती चीजें सही ढंग से, एक बार इसलिए साफ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ये ए चल रहा है बी के रिस्पेक्ट में और इसकी वेलोसिटी इधर है 25 और इसका कोई भी कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं होगा अगर ये इसके परपेंडिकुलर होगा। सही बात है। अल्फा और बीटा दोनों निकाल चुके हैं, इस एंगल का कोई रोल नहीं है, इस 15 का भी कोई रोल नहीं है, 20 का भी कोई रोल नहीं है, 300 को हटा रहा हूँ, बस जो मेन कहानी है बस उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बात ये कि अपने कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, जब ए यहाँ पहुंच जाएगा जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो हो जाएगा तो इनके बीच की जो दूरी है वही अपने को निकालनी है और ये मिनिमम सेपरेशन होगा। सही बात है। गुड बात। ए और बी के बीच का सेपरेशन ये वाला मिनिमम सेपरेशन होगा, ये अपने को निकालना है। कैसे निकालें बताओ? अल्फा अपने को पता है, बीटा अपने को पता है। अल्फा अपने को पता है कि टेन अल्फा की वैल्यू 3/4 है और ये 500 पता है, तो अपने को ये वैल्यू पता लगती ना वाई। सही बात है। कि टेन अल्फा की वैल्यू 3/4 है, 3/4 शुड इक्वल टू वाई बाय 5/5। समझ रहे हो मेरी बात? वाई बाय 500 भी तो टेन अल्फा है और टेन अल्फा की वैल्यू 3/4 है, तो वाई की वैल्यू किसके बराबर है? 375। अरे आ गया, अरे आ गया। यस सर। तो नहीं गया आराम से, ये 375 आ गया। ये टोटल दूरी कितनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, बी तक 400, तो ये दूरी कितनी रहेगी? 25। ये दूरी 25 आएगी। समझ में आ रही है सभी को? यस। इस डायग्राम को देखो बढ़िया, ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना? 90 माइनस अल्फा हो गया ये एंगल। यस सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कितना? 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये एंगल 90 है,
ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना? अल्फा। समझ में आ रही है बात? यस। एंगल अल्फा हो गया, तो ये 25 है, यहाँ से एक लाइन ऐसे है और ये 90 है और ये एंगल अल्फा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये ट्रायंगल बनाई है मैंने छोटी सी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ, ये सी है। यार मिनिमम किसके बराबर होगा? 25 कोस अल्फा, सही बात है। टेन अल्फा की वैल्यू 3/4 थी, मतलब अल्फा की वैल्यू 37 थी, तो कोस 37 किसके बराबर होगा? कोस अल्फा 4/5, सही बात है। यस सर। 25 × 4/5 20, और ये मिनिमम सेपरेशन हो गया। हाँ भाई समझे तुम लोग? यस सर। कितने बच्चों ने अप्रोच से ही सोच ली थी? चलो कैलकुलेशन नहीं हो रही थी वो अलग बात है, लेकिन अप्रोच से ही सोच ली थी कि ऐसे होगा। सर वो लास्ट छोटा वाला ट्रायंगल वाला पार्ट नहीं किया था, उससे पहले तक हुआ था। अच्छा ट्रायंगल वाला पार्ट सॉल्व नहीं कर पाए सर, उतना सोचा नहीं। अच्छा लिखने बाद डन लिखो भाई, छाप लो फटाफट, होने बाद डन। आज मैं साढ़े चार बजे तुम लोगों के लिए 7:30 रखता था मेरा, कमर दर्द करने लगी बैठे हुए। तुम लोग सबसे लंबी सिटिंग कौन देता है पढ़ाई के मामले में? तो बच्चा है जो 6 घंटे बैठ के बैठ के पढ़ लेता है। इंटरवल सर स्कूल भी होता है, बट फिर बीच बीच में मतलब एक दो क्लास के लिए तो लेट नहीं पड़ता है, एक साथ 6 घंटे नहीं बैठा जाता। 3:30-4 तक हो जाता है। 3-4 हाँ सर, 4-4:30 हो जाता है। कितना पढ़ाई कर लेते हो लगातार 4.5 घंटे तक? नहीं बीच मतलब ऐसा 1 घंटा पढ़ के 5-10 मिनट का ब्रेक वैसे तो। इस बच्चे को फोन चलाने की गंदी आदत है, मतलब फोन की वजह से उसका टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, कोई ऐसा बच्चा है? नो सर। किसी को फोन चलाने की आदत नहीं है? फोन है ही नहीं क्या तुम लोगों के पास? है सर, लेकिन चलाते नहीं हो। है सर पर सब लिमिटेड रखा है, घर वाले थोड़ा लिमिटेड रखते हैं, ये बात है। नहीं नहीं खुद से ही लिमिटेड रखा है कंट्रोल कर। ओके फिर तो बहुत बढ़िया बात है यार, आगे चलो। यस सर। फोन मत यूज किया करो, मतलब तुम्हारे लिए फोन कोई यूज का ही नहीं है, बस लिंक आता है उसी के लिए क्लास ज्वाइन करो और कोई यूज का नहीं है फोन, ठीक है ना? आगे क्वेश्चन देखता हूँ मैं। जिंदगी में फोन से इतने परेशान हो जाओगे कि फोन को फेंकने का मन करेगा फिर भी फेंक नहीं पाओगे, इसलिए बढ़िया से जिंदगी जियो, फोन को यूज मत किया। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? आगे कुछ भी अपना काम करोगे ना, बिजनेस करोगे या फिर अपना कुछ जॉब करोगे, तो सब काम फोन पे होगा, तो फोन से परेशान रहोगे सारा। इसलिए
इसलिए अभी बढ़िया से जियो, अभी तुम्हारे फोन का कोई यूज ही नहीं है, तो सारी जिंदगी इसी को यूज करना है, अभी काय को यूज करना है, बढ़िया जियो मत, है ना, पढ़ाई करो अपना और अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, इससे काय कतरा देखना साल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तीन पार्टिकल है ए बी एंड सी, ए पार्टिकल बी स्पीड से बी की ओर जा रहा है, बी बी स्पीड से सी की ओर जा रहा है और सी बी स्पीड से ए की ओर जा रहा है, तो नहीं आ रही बात, यस सर, तो पार्टिकल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी मूव विद कांस्टेंट स्पीड सर, मूव विद कांस्टेंट स्पीड बी, सच दैट each one of them points towards next particle at every instant of time, find after how much time from the Shaun situation till the particles meet, till all the particles meet. And distance between them is L. So we see the equilateral triangle is inside L. Okay, na? Sir, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. अभी आ रही है? अभी आ रही है क्या? हाँ सर, अब आ रही है. तो इनका इनिशियल सप्रेशन एल है और ये आप ना इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि विद कांस्टेंट स्पीड वी इन सच ए वे दैट ईच वन ऑफ देम पॉइंट्स टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्टिकल एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. इस लाइन में ना बहुत दम है, तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? यस सर, समझा. क्या समझे बताओ सर? जैसे सपोज बी पार्टिकल टी टाइम में वीटी गया, तो जो ए पार्टिकल है वो उसको वीटी वाले पॉइंट को देखेगा अभी. हाँ, जैसे ये थोड़ा सा आगे खिसका ना, तो ए पार्टिकल ने अपने डायरेक्शन इसकी तरफ कर दी, ठीक है ना, और इसने अपने डायरेक्शन सी की तरफ कर दी, सी ने अपने डायरेक्शन ए की तरफ कर दी. ऐसे मतलब इस लाइन के अलोंग नहीं चल रहे हैं वो, आप ये मत सोचो कि वो लाइन के अलोंग चल रहे हैं. सी ने अपने डायरेक्शन ए की तरफ कर दी, ए ने बी की तरफ कर दी, बी ने सी की तरफ कर दी, फिर थोड़ी देर बाद में डी आगे और खिसक जाएगा इधर सी की तरफ, सी आगे इधर खिसक जाएगा, ए इधर खिसक जाएगा, इस तरीके से करते करते ये सेंट्रोइड पे आके मिल जाएंगे. समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर. तीनों पार्टिकल, सारे पार्टिकल, मतलब हमेशा अगले पार्टिकल की तरफ उसकी वेलोसिटी रहती है, तो आपको वो बताना है कितनी देर बाद ये मिले. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप दिमाग लगा लो ना थोड़ा सा, तो एक मिनट में क्वेश्चन हो जाएगी. कैलकुलेशन तो इसमें जीरो है, मतलब है ही नहीं कैलकुलेशन लाइक का. थोड़ा सा सोच लो ना बैठ के आराम से, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वगैरह के बारे में क्या होता है, कैसे मिलते हैं, कितनी देर में मिलते हैं, तो आपसे आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर, लिखो, होने के बाद डन लिखो चैट में, ठीक है?
चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बी और सी को देखिए, जैसे मान लेते हैं आप थोड़ी देर बाद की बात करो, थोड़ी देर बाद में ए पार्टिकल जैसे यहाँ आ गया थोड़ा सा इधर, बी पार्टिकल यहाँ, ये ना बहुत ही थोड़ी सी देर की बात है। आप ये मत सोचना कि थोड़ा इधर टर्न हो जाएगा सर बी इधर चला गया, बहुत ही थोड़ा सा बी चला है, बहुत ही थोड़ा सा ए चला है, बहुत ही थोड़ा सा सी चला है। तो ये वैसे थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन चले थोड़े थोड़े हैं। तो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी तो ये जिस वर्टेक्स पे होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगी ना कोई, ये ब्लू वाली तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अरे हाँ या ना? यस सर, ये ब्लू वाली भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। फिर ये पार्टिकल इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चल रहे हैं, लेट अस सपोज ये बी सी की तरफ चल रहा है, तो बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, ए की तरफ चल रहा है ये, और ए बी की तरफ चल रहा है, तो ए यहाँ आ गया। तो अब भी इनको अगर वर्टेक्स मिलाऊंगा तो यहाँ पे भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये वाली बनेगी नहीं बनेगी? यस सर, ए बी सी हर इंस्टेंट पे कोई ना कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे होंगे हर इंस्टेंट पे, जब भी वो होंगे तो उनके वर्टेक्स को अगर उनको अगर जोड़ोगे तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी कोई भी टाइम पे जोड़ दो। तो बी जा रहा है सी की तरफ बी से, और सी जा रहा है ए की तरफ बी से, और इनके बीच में हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। सही बात है गलत बात? यस सर, यस सर। तो बी और सी का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बी और सी का वही ए और बी का रहेगा, वही सी और ए का रहेगा, जो बी और सी का रहेगा। तो किसी दो को सोल्व कर लो, तीसरा अपने आप सोल्व हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, बताओ ये तो वी से नजदीक आ रहा है, वो किससे आ रहा है? वी को 60 से। अरे हाँ है ना, इस वी के कंपोनेंट आएंगे ना। यस सर, वी को 60 एंड वी साइन 60। सही बात है गलत बात? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इधर से तो वी होगी और इधर से क्या होगी? वी को 60, तो वी प्लस वी को 60 दैट इज वी बाय 3 वी बाय 2 हो गया। मतलब बी और सी एक दूसरे को 3 वी बाय 2 से अप्रोच कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे? और हर इंस्टेंट पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे होंगे, तो कोई ना कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल पे होंगे, तो इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा 3v by 2 रहेगा। सही बात है गलत बात? यस। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर टाइम पे इस रेट से कम हो रही है, हर इंस्टेंट पे इस रेट से कम हो रही है। तो शुरुआत में उनकी डिस्टेंस कितनी थी l, और वो इस रेट से कम होती होती जीरो कब हो जाएगी, मतलब वो मिल कब जाएंगे एक दूसरे के? इस रेट से कम हो रही है, तो लेट अस सपोज t टाइम लगता है उसको कम होने में, जीरो होने में। सही बात है गलत बात? तो 3v by 2 रेट से कम हो रही है, t टाइम लगता है, तो t की वैल्यू क्या होगी? L upon में 3v by कितनी देर बाद वो एक दूसरे को मिलता है। अरे हाँ या ना? तकलीफ है बेटा किसी को? नो सर। आगे चलो। यस सर। चलो ये क्वेश्चन घर से करने के लिए देखना हमें, अगला चैप्टर चालू करते हैं, रिलेटिव कंप्लीट हो गया, ठीक है? वो क्वेश्चन आपको सीट में मिल जाएगा, जो मैं अभी करवा रहा था ना वो बाद में मैं करवा दूंगा आप, घर से करने के लिए दूंगा, मतलब करने के लिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर नया चैप्टर है ना? हाँ जी नया चैप्टर है, नया चैप्टर रिलेटिव मोशन कंप्लीट हो। ओके सर, इसको शॉर्ट में एनएलएम लिखेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहले अपन फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फोर्स क्या होता है? एनी पुल और पुश। एनी पुल और पुश विच कैन चेंज the state of rest or state of motion which can change or tends to change, yahan pe ye likha hai na, or tends to change the state of rest or state of motion of an object. This term is force. कोई भी पुश या पुल जिसकी वजह से किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की रेस्ट की स्टेट को या फिर मोशन की स्टेट को चेंज किया जा सकता है उस पुश या पुल को फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा। सर आप रिपीट कर सकते हो क्या? जो लिख रखा है वही है बेटा। हाँ सर, आवाज तो ब्रेक हो रही थी इसलिए। एनी पुल और पुश विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्मड एज फोर्स। It is a vector quantity. Yeah, vector quantity. It follows the law of vector addition. Next is types of force. There are four types of fundamental forces. First is gravitational force. Second is electromagnetic force. That is nuclear force. Fourth is weak force.
ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, चार प्रकार के बेसिक फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। Two particles or bodies, due to their masses, दो पार्टिकल या बॉडी के बीच में उनके मासिस की वजह से लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. दो बॉडी के बीच में इसलिए फोर्स लग रहा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि उनके पास मासिस है, क्योंकि उनका मास है। अगर उनका मास नहीं होता तो उनपे फोर्स नहीं लगता, मास होने की वजह से फोर्स लग रहा है। समझ में आ रही है बात? और ये कोई भी दुनिया की कोई भी दो बॉडी के बीच में लगता है जिनके पास मास है। दुनिया की क्या, संसार, ब्रह्मांड, कहीं भी कोई भी दो बॉडी जहाँ पे मास है उनके बीच में फोर्स लगता है। जैसे आप अभी वहां बैठे हो ना मुंबई में, मैं इधर बैठा हूँ, तो आपकी बॉडी का मास और मेरी बॉडी का मास भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। आपके घर में कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है वो भी मेरे घर के कोई भी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, क्योंकि उनके पास मासी है। आप यहाँ पे हो, इवन ये तो अर्थ की बात होगी, आप अर्थ पे हो और कोई मार्स के ऊपर कोई स्टोन पड़ा है, ठीक है ना, मंगल ग्रह पे, मार्स प्लेनेट पे भी अगर कोई स्टोन पड़ा है ना, वो तो अर्थ के स्टोन को वो भी खींच रहा है। अरे हाँ, जहां भी मास है वो एक दूसरे को खींच रहा है। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, चाहे कितना ही दूर मास हो ये फोर्स लगता है, लॉन्ग रेंज फोर्स। सही बात है? Always attractive, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। सुन रहे मेरी बात? Yes, sir. अगली बात, it doesn't depend on the medium between it. Doesn't depend on the medium between the masses. मासिस के बीच में मीडियम क्या है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मास पानी में पड़ा है, हवा में पड़ा है, वैक्यूम में पड़ा है, ये मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कि दो मास, पॉइंट मास m1 और m2 यदि r दूरी पे पड़े हैं तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। एक सेकंड, पिछला स्लाइड ये लो भाई। ऑलवेज देर आर फोर फंडामेंटल फॉर द इंट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकुलर बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। ऑलवेज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव लिखा है बताइए। हो गया भाई? यस सर। तो दो मास है जो r दूरी पे पड़ा है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ये इसको खींचता है, वो इसको खींचता है, और ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, मतलब जितना इसने उस पे लगाया उतना इसने इस पे लगाया। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कौन ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि ये वाला मास बहुत ज्यादा है तो ये उस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, नहीं नहीं
हल्के वाला भी भारी वाले पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना भारी वाला हल्के पे लगा देगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स किसी एक मास पे डिपेंड नहीं करता, ये फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मास पे, और प्रोडक्ट में दोनों मास आते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। इसके अलावा ये फोर्स डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये एफजी लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्सेस की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम फोर्स लगेगा, राइट? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फोर्स होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? ये फोर्स होता है जहाँ पे जी की वैल्यू होगी 9.8 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 11, सॉरी 9.8 नहीं यार, 6.6। जी जो है ना वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है ना? और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है बेटा? कोई भी दो पॉइंट मास, ये पॉइंट मास होनी चाहिए एम वन और एफ टू, पॉइंट मास मतलब इनका साइज बहुत ही नेग्लिजिबल हो आर के कंपेयर में, नहीं बेटा जो तुम जी की बात कर रहे हो ना शुभ, वो दूसरा जी है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आज, ये वाला जी और है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी से लिख रहा हूं तुम्हें। ओके सर। सर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बाय किलोमीटर और केजी स्क्वायर कोई एक नाम ही है मतलब? नहीं नहीं ऐसा ऐसा कोई नाम नहीं, ये बस ये फोर्स हो गया, वो यूनिट है उसकी। देखो इसकी यूनिट तो न्यूटन हो गई, ठीक है, जी की यूनिट अपने को फाइंड करनी है, ये मास हो गया केजी का स्क्वायर, ठीक है, नीचे हो गया मीटर स्क्वायर, तो जी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, है? यस सर। क्योंकि दोनों साइड की यूनिट तो बराबर होनी चाहिए ना, ये कहानी और कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बेटा सभी को बात? यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत है? इसके आगे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अर्थ होता है मास एम और यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल स्मॉल है। इस केस में भी अपन अर्थ को है ना एक पॉइंट मास ट्रीट करते हैं, मतलब हम ये मानते हैं कि इस अर्थ जो है ना इतनी बड़ी नहीं है, इसका पॉइंट मास है सेंटर पे पड़ा है कैपिटल एम, और ये छोटा सा मास यहाँ पड़ा है स्मॉल एम। सही बात है बेटा? जैसे ये स्मॉल एम जो है हाइट एच पे है अर्थ से, जैसे ये एप्पल है जो एच हाइट पे लटक रहा है एक हिसाब से, तो ये हमारे पास इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस एच। समझ में आ रही है बात? यस। तो ये दोनों मास अर्थ भी उस पार्टिकल को खींच रही है नीचे की ओर, और ये पार्टिकल भी अर्थ को खींच रहा है, मतलब ये दोनों मास इस पे लगता है ये फोर्स। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये फोर्स कितना लगेगा सर? वो दो मासेस पे लगेगा पर दोनों पे सेम अमाउंट लगेगा क्या? हाँ सेम अमाउंट लगेगा, अर्थ पे भी उतना ही लगेगा। F is equal to G capital M small m by R plus H का होल स्क्वायर, कितना फोर्स लगेगा ये? सही बात है बोल रहा? अर्थ इज कंसीडर्ड एज पॉइंट मास जिसका मास सेंटर पे पड़ा है, तो R इसकी रेडियस होगी, H इसकी हाइट होगी, ठीक है ना? ये R रेडियस होगी यहाँ पर, देखो अगर मैं इसमें ये कर दूं कि इस आर को बाहर ले दूं, तो ये आर बाहर आएगा तो आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा? आर की जगह तो वन हो गया क्योंकि इसका आर बाहर आ गया, और यहाँ पे आर था नहीं तो एच को आर से डिवाइड कर दो। सही बात है?
यस सर। अब ये जी क्या है? जी तो कांस्टेंट वैल्यू है। कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम तो मास ऑफ अर्थ है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ तो अपन कांस्टेंट ही मानेंगे। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। सही बात है गलत बात? ठीक है, सारी तो कांस्टेंट वैल्यूज होगी, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, हाइट, और हाइट की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से तो बहुत छोटी होगी ना, हाइट इज वेरी लेस देन कैपिटल आर। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपन अर्थ की हाइट से ले रहे हैं तो उसकी हाइट इतनी ज्यादा थोड़ी होगी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, जनरली जो प्रैक्टिकल काम करते हैं। तो एच अपॉन आर की वैल्यू बहुत ही कम होगी, लेस देन वन होगी, क्योंकि एच बहुत छोटा है आर से, इनका रेशियो बहुत ही छोटा होगा वन से। तो वन प्लस एच बाई आर जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली आपका वन के बराबर ही होगा, क्योंकि एच बाई आर बहुत ही छोटा है वन से। तो वन में अगर बहुत ही छोटी संख्या को जोड़ोगे तो लगभग वन ही आएगा। सही बात है लगभग? यस सर। तो ये जो संख्या है लगभग आपकी वन के बराबर है। तो ये जो फोर्स हो गया आपके पास वो किसके बराबर होंगे? ये जी एम बाई आर स्क्वायर, ये सारी मास के प्रोपोर्शनल, ये सारी सारी कांस्टेंट वैल्यूज है। तो इन सभी कांस्टेंट वैल्यू का मतलब आप वैल्यूज पुट करके और जब इनका कैलकुलेशन करोगे ना, ये वैल्यू लगभग 9.8 आएगी, ठीक है ना। और इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड के, सबकी यूनिट रख दोगे ना यहाँ पे, जी की यूनिट रख दोगे, मास की रख दोगे, रेडियस की रख दोगे, तो ये यूनिट मीटर पर सेकंड के रहेगी और ये वैल्यू आएगी 9.8। तो फोर्स आ जाएगा, इसको लिखते हैं जी, इसको क्या लिखते हैं जी। तो ये फोर्स आ जाएगा एम इंटू जी, क्योंकि ये तो वन हो गया। समझ में आ रही है बात? तो स्मॉल जी एक्चुअली किसके बराबर होता है? स्मॉल जी होता है जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू 9.8 होती है। और अप्रोक्सीमेटली इसको 10 ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस के, ठीक है ना बेटा। अरे समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये फोर्स बन जाता है mg, और ये कब होता है? जब h की वैल्यू लेस देन r हो, केवल उसी केस में वैलिड होता है, जब हाइट बहुत छोटी हो रेडियस के कंपेयर। और ये फोर्स इस पार्टिकल पे भी लगता है और इतना ही फोर्स अर्थ पे भी लगता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अर्थ ही पार्टिकल पे लगाता है, पार्टिकल कुछ नहीं लगाता अर्थ पे, ये पार्टिकल भी अर्थ पे इतना ही फोर्स लगाता है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तकलीफ है? और इस जी को बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी बच्चे को तकलीफ है? तो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस पता लग गया तुम लोगों को? एक बच्चा पहले बोल रहा था। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप एक्सरसाइज वन कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी। नहीं सर, आप बोले थे ना क्वेश्चन एक दोगे। हाँ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप एक्सरसाइज वन कंप्लीट कर लीजिएगा रिलेटिव का। ओके सर। और एक्सरसाइज थ्री भी कंप्लीट कर लीजिएगा। कल क्लास है क्या अपनी? हाँ सर, सुबह। यस सर, सुबह। कल के तो मुझे लग रहा है मुश्किल ही हो पाएगी सुबह वाली क्लास को, यहाँ पे लाइट ही नहीं है दो दिन से, आज अभी लाइट चली गई है, मौसम बहुत खराब हो रखा है ना, खंबे वंबे गिर गए हैं मैंने सुनने में आया अभी, किसी इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह। सर आपकी कहाँ पे हो अभी? हरियाणा में? हाँ हरियाणा में है भाई, और तेज तूफान आ रखा है यहाँ पे सर। दिल्ली एयरपोर्ट भी पानी में बहुत हो गया, न्यूज देखा था। हाँ तो दिल्ली के बहुत ज्यादा नजदीक ही है, हमको बहुत ज्यादा दूर नहीं, 200-300 किलोमीटर दूर है। तो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह गिर गया, अभी हम अंधेरे में बैठे हैं, ये तो इन्वर्टर से लैपटॉप चार्ज कर रखा है, इन्वर्टर से थोड़ी बहुत लाइट जला रखी है, क्योंकि पता है कल पूरे दिन लाइट नहीं आएगी, तो कल इन्वर्टर चाहिएगा ना। हाँ सर। यहाँ तो जो रही है सर बहुत। हाँ
यहाँ तो गणेशोत्सव का बहुत मजा चल रहा है। यस अभी विसर्जन हो रहे थे। विसर्जन कब है? अभी विसर्जन होने वाला है क्या? आज डेढ़ दिन का भी होता है ना, बहुत से लोगों का होता है सर। अभी कल तो मतलब लोगों लोग लेके आए हैं ना गणेश जी को घर पे लेके आए हैं। हाँ सर, वो डेढ़ दिन, पांच दिन, दस दिन, सात दिन ऐसा रहता है। यस सर, डेढ़ दिन वाले का है। ठीक है फिर तो तुम मजे कर रहे हो है ना। कोई रोक टोक नहीं है क्या उधर अभी उत्सव बनाने में? सर सब है भी नहीं भी है, दोनों ही बातें। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। कल वाली क्लास तो शायद ही हो पाएगी, मैं देखूंगा अगर कुछ हो पाएगा। मुझे मैक्सिमम चांस तो यही है क्योंकि बारिश ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। ये भी मैं मोबाइल से हॉटस्पॉट चालू करके आपको सर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मत लीजिए क्योंकि नेट की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी। नेट का तो चलो रिचार्ज भी कर लेते हैं, फोन चार्ज होना चाहिए। एक दिन का रिचार्ज भी तो होता है ना 20 रुपए का। यस सर। ये मैं क्वेश्चन दे रहा था आपको कि ये पार्टिकल जो है यू स्पीड से इधर जा रहा है और ये पार्टिकल बी जो है वो इधर जा रहा है बी से शुरुआत में, इनके बीच का डिस्टेंस बी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज ए इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ इन मैग्नीट्यूड, इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। स्पीड ऑफ बी इज कॉन्स्टेंट एंड इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स ए, एंड इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स ए, पॉइंट्स टुवर्ड्स ए। फाइंड द टाइम आफ्टर विच A and B meet. ठीक है ना, A इधर जा रहा है और B हमेशा A को देखते हुए निकल रहा है, मतलब वो हमेशा A की ओर पॉइंट करेगा। समझ में आ रही है बात? उसकी वेलोसिटी तो जैसे जैसे आगे जा रहा है B भी ऐसे आगे जाता हुआ इसको मिलेगा कहीं ना कहीं, तो कितने टाइम बाद मिलेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यस सर, घर से सोचना। इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट नहीं है, जैसे आपने ये क्वेश्चन जो किया था इसमें क्या था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट रह गया था ना, तो आपने सीधा ही कर दिया कि टोटल डिस्टेंस है एल और इतनी स्पीड से आके इसको अप्रोच कर रहा है तो टोटल टाइम कितना होगा। इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट नहीं होगा, तो फिर आपको थोड़ा सोचना है, दिमाग लगाना है कि कैसे करना, ठीक है, वरना मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके ठीक है भाई। यस सर, बाय सर। ठीक है।